हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू एंड सेट्टी व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी शाम हो रही है, मतलब शाम के टाइम पे मैं बत्ती कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इस साइड में जो फ़ोटो लगा हुआ है ना, वो मेरे ससुर जी का है। तो बत्ती करते टाइम मैं उनका भी मतलब पूजा कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और अभी मैंने बत्ती दे दिया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ जो चुकंदर होता है ना, उसका हलवा बनाने वाली हूँ मैं। तो रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊँगी। वैसे उसको कच्चा भी खाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे गले में खींचता है ना, तो फिर मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि उसका हलवा बना देती हूँ। तो वो सब लोग अच्छे से खा लेते हैं, तो फिर मैं उसका आज हलवा बनाने वाली हूँ। कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज मैं जो बीट होता है ना, और चुकंदर भी बोलते हैं उसको, जो रेड कलर का होता है ना बीट, उसका मैं आज हलवा बनाने वाली हूँ। वैसे तो बहुत तरीके से बनता है, और गाजर का भी बनता है, और मतलब सूजी की रवा, मतलब बहुत तरीके से बनाते हैं। लेकिन ये वाला आप लोग ने रेसिपी मतलब पहले मतलब नहीं बनाया हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना घर पे, बहुत अच्छा लगता है। बीट बहुत लोग को नहीं पसंद होता है खाना, मतलब क्योंकि गले में थोड़ा खस्ता है ना, इसकी वजह से मतलब खाने के लिए लेके आते लेकिन कोई खाता नहीं है। तो उसका हलवा जैसा बना देंगे ना, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, क्रश करके, जैसे गाजर को छील के उसको कद्दूकस करते हैं ना, वैसे करके बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सब जितना भी बीट था उसका छिलका उतार दे रही हूँ। छिलका उतारने के बाद उसको धोने के बाद उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। और कद्दूकस करते टाइम मतलब रेड, मतलब देखो पानी में पूरा जो मैंने धोया था ना पानी, वो पूरा पानी लाल हो गया है, क्योंकि ये मतलब ना थोड़ा भी हाथ में भी लग रहा था तो मतलब पूरा हाथ भी लाल हो जा रहा था, और पानी भी देखो पूरा लाल हो चुका है। दो तीन पानी इसको धोया फिर भी मतलब पानी पूरा रेड हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसमें कलर मिलाया हुआ है। लेकिन मतलब एक दो पानी धोने के बाद ऐसा मतलब दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि रहन देती हूँ, पूरा अच्छे से धो कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं पानी फेंक दूँगी। और यहाँ पे देखो अच्छे से उसको कद्दूकस कर लेना है घिस के, और घिसने के बाद उसको अच्छे से छोटा छोटा टुकड़े में कद्दूकस कर लेना है उसको, ताकि जब फ्राई करेंगे ना तो थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि इसको पकने में भी बहुत टाइम लगता है। और इसको मतलब कई लोग मतलब ऐसे ही काट के और ऐसे ही मतलब नमक वगैरह भी डाल के सब लोग खाते हैं, तो मेरे घर में मतलब कोई खाता नहीं है। मेरे लिए आया था लेकिन मुझे नहीं पसंद ऐसा, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसका पूरा काट के हलवा बना देती हूँ। तो वो सब अगर मीठा रहेगा ना तो सब लोग खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, वरना ऐसे मतलब कोई नहीं खाता है। और अभी मैं जो लहसुन मिर्चा चॉप करने वाला होता है ना, उसके ऊपर मैं कद्दूकस कर रही थी, तो पूरा वो भी लाल हो गया था। और जब कद्दूकस कर रही थी ना, मतलब अगर ताज़ा रहेगा ना तो जल्दी जल्दी कद्दूकस हो जाएगा, और जैसे नरम हो जाएगा ना, सूख जाएगा ना, तो जल्दी कद्दूकस नहीं होता है, क्योंकि नरम हो जाता है ना इसकी वजह से। तो इसके वजह से ताज़ा लेके आए तो तुरंत बनाएंगे ना तो अच्छा बनता है, और नहीं तो वरना अगर सूख जाएगा तो अच्छा नहीं बनता है उसका। तो यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग गया था कद्दूकस करने में, क्योंकि कम से कम 6-7 थे, तो इसके वजह से उसको वो कद्दूकस करने में भी बहुत टाइम लग रहा था। और जब छोटा हो जा रहा था तो हाथ में भी लग जा रहा था, और एक दो बार मुझे हाथ में भी लग गया था कद्दूकस करते टाइम, क्योंकि जब छोटा हो जा रहा था ना तो उसको कद्दूकस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उसको मैं चाकू से काट दिया था मैंने, बाद में छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया था। और यहाँ पे देखो पूरा एकदम प्लेट भी एकदम लाल हो गया है,
और एकदम जिसमें मैंने रखा था ना, जिसमें मैं कद्दूकस कर रही हूँ ना, वो भी पूरा लाल हो गया था। तो अभी मैं शाम के टाइम पे बना रही थी, क्योंकि शाम के टाइम पे सब आएंगे ना, तो फिर अच्छे से मतलब सब लोग को मैं दे दूँगी खाने के लिए बना के। तो यहाँ पे देखो पूरा प्लेट भी एकदम लाल हो गया था, और जहाँ जहाँ पे भी गिर रहा था ना, सब लाल हो जा रहा था। और यहाँ पे देखो मैंने पूरा जितना भी था ना कद्दूकस अच्छे से कर लिया है, और इस तरह से कुछ कर लेना है, आप लोग भी इस तरह से ही कर लेना है कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद उसको मैंने घी में भूज दिया था, और तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घी डालेंगे ना तो अच्छा स्मेल भी आएगा और अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो मैंने उसको अच्छे से घी में फ्राई कर लिया था, ताकि उसमें जो स्मेल अच्छा स्मेल आए उसमें, जैसे हम रवा का और गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनाना है, उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं होता है, जैसे गाजर का हलवा बनता है वैसे ही करना है। और यहाँ पे मैंने देख लो, यहाँ पे मैं एक चम्मच जितना घी मैंने लिया था, और शक्कर मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं ज़्यादा कम। तो यहाँ पे मैंने सब अभी मैंने सब सामान एक जगह पे रख ली, ताकि फिर जब घी गर्म हो जाएगा ना तो फिर फटाफट करना पड़ता है, क्योंकि घी जलेगा तो फिर उसका अच्छा स्मेल नहीं आता है, इसकी वजह से जल्दी से सब कुछ सामान अपने पास रखने के बाद फिर फटाफट उसमें फ्राई कर देंगे। और अभी यहाँ पे मैं एक चम्मच जितना घी डाल दूंगी, एक चम्मच और थोड़ा सा और तेल मतलब घी गर्म हो गया था डालते, क्योंकि जो कढ़ाई है ना वो मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अभी उसमें जो कद्दूकस करके रखा था ना वो पहले डाल देना है, और उसको अच्छे से फ्राई होने तक, जब तक थोड़ा फ्राई ना हो जाए और थोड़ा गल ना जाए तब तक उसको ऐसे फ्राई करना है, उसमें शक्कर वगैरह भी नहीं डालना है। थोड़ा फ्राई होने के बाद उसको ढक देना है, फिर उसके बाद में उसको फिर से खोल के अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, ताकि नीचे जले ना, और नीचे मतलब अगर टाइम पे नहीं चलाएंगे तो जल जाएगा नीचे। तो थोड़ा गल जाने के बाद उसके बाद शक्कर डाल देना है, शक्कर अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच डाला था, क्योंकि चम्मच छोटा है तो उसकी वजह से मैंने 2-3 चम्मच शक्कर डाल दिया था। और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, शक्कर डालने के बाद थोड़ा हल्का सा पानी भी छोड़ेगा, क्योंकि हल्का पानी जैसा छोड़ा था। तो बाद में अच्छे से इसको फ्राई करके ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ सूखा जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ड्राई फ्रूट जो होता है ना वो मैंने डाल दिया था। तो अभी उसको मतलब काजू बादाम जो भी होता है, किशमिश वगैरह वो सब डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ किशमिश डाला था, और वो भी जब थोड़ा टाइम फ्राई करने के लिए रख देना है, फिर उसके बाद में दूध, 1 गिलास दूध डाल देना है, और मैंने 1 गिलास उसमें दूध डाल दिया था। और उसको अच्छे से मतलब फ्राई करके, और जब तक दूध थोड़ा जल ना जाए, दूध थोड़ा कम ना हो जाए, तब तक उसको फ्राई करना है, और स्लो रखना है गैस को, नहीं तो जल जाएगा नीचे से। और अच्छे से उसको चला चला के थोड़ा दूध है ना उसको जला देना है, ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और अच्छे से उसको चलाते रहना है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।